नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। तो देश का सबसे बड़ा सियासी बुलेटिन शुरू हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पावर सेंटर। कश्मीर में कौन हो सकता है किंग मेकर, आगे हम आपको बताने वाले हैं। और सत्ता के लिए 7 गारंटी क्या है, ये भी आगे आपको बताएंगे। पॉकेट बम से कैसे सनसनी मच गई, पूरी खबर आगे जरूर देखिएगा। तमाम खबरें आपके सामने विस्तार से रखेंगे। तो आइए पॉलिटिकल पावर सेंटर की शुरुआत करते हैं। और आज की सबसे बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से, जिसे धरती पर जन्नत कहा जाता है। 10 सालों के बाद वहां पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। आज पहले चरण का मतदान हुआ, इसके बाद 2 फेज में वोटिंग और है। इन सब के बीच वहां सियासी गलियारों में चर्चा यह है कि जो इंजीनियर रशीद है, क्या वो इस बार किंग मेकर साबित हो सकते हैं, जेल से छूटे इंजीनियर। और जम्मू कश्मीर में पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है, अभी की बड़ी खबर आपको बता दें। और शाम 5 बजे तक 58% मतदान हुआ है जम्मू कश्मीर में, पहले दौर की वोटिंग खत्म हो गई है। शाम 5 बजे तक जो सूचना हमें मिल रही है, जो आंकड़ा उपलब्ध है, उसके मुताबिक 58.18% मतदान हो चुका है। जन्नत में 10 साल बाद विधानसभा की चुनावी जंग का पहला अध्याय खत्म हो गया। 24 सीटों पर वोटिंग हुई और अभी 2 चरणों में चुनाव बाकी है। चर्चा शुरू हो गई, घाटी में सरकार कौन बनाएगा। इस बार घाटी की सीटों पर बहुकोणीय मुकाबला है और एक बड़े सियासी प्लेयर के तौर पर उभर कर सामने आए हैं एआईपी के प्रमुख इंजीनियर रशीद। एबीपी न्यूज से बात करते हुए वोटिंग के दिन रशीद ने जो संकेत दिए, उसने घाटी का समीकरण हिलाकर रख दिया। मैंने जिंदगी में एक चीज की है, मैंने रेजिस्टेंस बहुत की है, लड़ा बहुत हूँ, लेकिन मैंने दरवाजे कभी किसी के लिए बंद नहीं किए। मुझे उम्मीद है कि एआईपी के बगैर जो अगली सरकार होगी उसमें एआईपी का बहुत बड़ा रोल होगा। अभी पिछले हफ्ते ही रशीद को अदालत ने जमानत पर छोड़ा है। तिहाड़ जेल में रहते हुए रशीद निर्दलीय लोकसभा का चुनाव जीते। घाटी में इनके पैर जमे हैं, तो महबूबा और उमर अब्दुल्ला की सियासत के लिए इन्हें घाटी में खतरे की घंटी के तौर पर देखा जा रहा है। शायद आप ही के साथ इंटरव्यू में इंजीनियर रशीद साहब ने कहा है कि सारे दरवाजे खुले हैं, तो अगर सारे दरवाजे खुले हैं उसका मतलब है कि बीजेपी के लिए भी दरवाजा खुला है। हमला हमारे ऊपर होता है, सियासी निशाना वो हमें बनाते हैं और बीजेपी के लिए दरवाज़ा खुला रखा हुआ है, तो इससे हम क्या मतलब निकालें। यही ना कि यहाँ वोट तकसीम किए जा रहे हैं बीजेपी को फायदा पहुँचाने के लिए। आज जिन प्रमुख उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला लोगों ने तय कर दिया, उनमें पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा शामिल। इल्तिजा घाटी की बिजबेहड़ा सीट से चुनाव लड़ रही है, जो पीडीपी का गढ़ है। हालांकि इस बार अपनी पार्टी और इंजीनियर रशीद की पार्टी इलाके में कड़ी चुनौती दे रही है। इल्तिजा मुफ्ती की ही बात कर लेते हैं, महबूबा मुफ्ती की बेटी है और चुनाव लड़ रही है, पीडीपी की उम्मीदवार भी है। एबीपी न्यूज ने उनसे खास बातचीत की। इस बातचीत के दौरान उनका यह दावा था कि दरअसल इस बार किसी को भी बहुमत नहीं मिलेगा और उनकी पार्टी घाटी में सभी सीटें जीतेगी और सत्ता की मजबूत दावेदार बनेगी। तो पीडीपी घाटी की सभी सीटें जीतेगी, यह दावा इल्तिजा ने किया है। और उनका यह भी कहना कि किसी भी पार्टी को इस बार वहां पर बहुमत नहीं मिलने जा रहा। वोटिंग प्रतिशत काफी अच्छा अब तक देखने को मिला है, आप भी इलाके में घूम रही है, कैसा एक्सपीरियंस? इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। हमारे नौजवान, बुजुर्ग, लेडीज, खवातीन, लड़कियां, दे आर ऑल कमिंग आउट टू वोट एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग। और अगर हम देखें पूरे चुनाव में किन किन मुद्दों पर आपने वोट डाला, क्योंकि ये आपके परिवार की सीट है, लेकिन क्या इसकी वजह से आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, क्या आप इसकी वजह से प्रेशर में? तभी मैं गोदी मीडिया से बात नहीं करती हूँ, क्योंकि यहाँ जो 4 बार कंसेक्यूटिवली जीते वो वीरी साहब हैं, वो मुफ्ती नहीं है। गोदी मीडिया के लिए जीत हमारी, एमसीसी वायलेशन है जी। तो मैं कह रही थी कि वीरी साहब रिप्रेजेंटेड दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी कंसेक्यूटिवली, उनने बहुत उम्दा काम किया, जिसकी वजह से आज इंशाल्लाह मैं भी यहाँ से जीतूंगी। साहब भी यहाँ से विधायक रहे, मैडम भी यहाँ से विधायक रही, इस बार आप मैदान में, मैं पूछ रहा हूँ क्या ये एक किस्म का प्रेशर भी था आपके ऊपर कि आप यहाँ से आप चुनावी पारी का आगाज करें?
नहीं, बट यहाँ अच्छा कंपटीशन है, अच्छा है कंपटीशन है, क्योंकि जब मैं जीतूंगी इंशाल्लाह तो कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे ये जीत प्लेट पे हैंड ओवर की। मैं ये जो जीत है वो मैं कमाऊंगी, मैं हर एक वोट कमाऊंगी, आई अर्न माय विक्ट्री। पूरी मेहनत आप करेंगे मैम, दो सवाल और है मेरे। 8 तारीख की कैसी आप तस्वीर देख रही है? और एक अहम सवाल ये कि इंजीनियर राशिद ने आज सुबह एबीपी न्यूज के इंटरव्यू में कहा कि उनके रास्ते सबके लिए खुले हैं और उनके बिना कोई सरकार नहीं बनेगी, आपका इस पर क्या कॉमेंट? चलिए, सब अपने क्लेम्स कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा एक हंग असेंबली होगा, फ्रैक्चर्ड मैंडेट होगा, किसी भी जमात को क्लियर मेजोरिटी नहीं आएगी। एंड वॉट एवर ही सेज ही इज एंटाइटल्ड टू से इट, उनका उनके अपने। पीडीपी किंग में मैंने पहले भी कहा है कि वील प्ले अ क्रूशियल रोल। हम अभी साउथ कश्मीर में है, जो हमारा गढ़ है, आप खुद देख रहे हैं यहाँ हमारा कितना फिनोमिनल रिस्पांस है, गला बैठ गया। नॉट जस्ट बिजबेहाड़ा, इंशाल्लाह पीडीपी पूरी साउथ कश्मीर में सारी सीटें लेगी। तो सभी सीटें घाटी में जीतने का दावा इल्तिजा मुफ्ती करती हुई नजर आ रही है, इस पर नजर रहेगी हमारी। आगे बढ़ लेते हैं और अब बात करते हैं, पिछले हफ्ते राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर, सिखों को लेकर जो बयान दिए थे, बयान तो अमेरिका में दिए लेकिन उसका असर हिंदुस्तान की सड़कों पर खूब देखने को मिला। बीजेपी के नेता और जो उनके सहयोगी दलों के नेता हैं, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ खूब बयान दिए, तो कांग्रेस इस पर काफी बौखलाई हुई। दिल्ली की ये तस्वीरें हैं जहां बीजेपी मुख्यालय के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का पुतला फूंका और मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की। दो दिन पहले बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकी कहा था और कल पप्पू कहकर विवाद को आगे बढ़ाया था। राहुल गांधी खुद देश के नंबर वन टेररिस्ट, अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे अनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसी को, वो आज राहुल गांधी। खड़गे साहब, आप हमें बोलने की बजाय अपने लीडर पप्पू को समझाएं। राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी दिल्ली से लेकर मुंबई तक हो रही है, जिसका विरोध करते हुए मुंबई में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने गुस्से का इजहार किया। मुंबई में सत्ताधारी शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ ने राहुल गांधी की जुबान काटने पर 11 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया था। या राहुल गांधी ने ये जो शब्द बोलला की आम्हाला आरक्षण संपवायचंय, माझं आवाहन आहे की या राहुल गांधीची जो जीप छाटेल त्याला 11 लाखाचं बक्षीस मी माझ्या वतीने त्या ठिकाणी। इसके बाद बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने इस विवाद को और भड़का दिया। जीप छाटण्याची भाषा तर योग्य नाहीच आहे, परंतु राहुल गांधी जे आरक्षणाच्या संदर्भात बोलले ते भयानक आहे, तर जीप छाटू नये पण जिभेला चटके मात्र दिले पाहिजे। एनडीए नेताओं के इन विवादित बयानों को लेकर विपक्ष आक्रामक है। दिल्ली में विवादित बयान देने वाले नेताओं के खिलाफ थाने में शिकायत दी गई है। राहुल गांधी ने पिछले हफ्ते अमेरिका दौरे के दौरान सिखों की सुरक्षा और आरक्षण खत्म करने को लेकर बयान दिया था, जिसको लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए थे। फाइट इज अबाउट वेदर ही एज अ सिख इज गोइंग टू बी अलाउड टू वेयर हिज टर्बन इन इंडिया, और he as a Sikh is going to be allowed to wear a kada in India. मेरा मतलब टेररिस्ट कहने का ये है भी जब पन्नू और राहुल गांधी एक दूसरे की बात, एक दूसरे को एंडोर्स कर रहे हैं, एक दूसरे की वाह वाह कर रहे हैं, तो और क्या होगा जी? और उसे कहा क्या कहा जाएगा ये बताओ। इसी बयान के बाद केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने राहुल पर टिप्पणी की और फिर उनके खिलाफ टिप्पणी का सिलसिला चल पड़ा। आज देश के अलग अलग शहरों में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, कहीं पुतला जला तो कहीं नारेबाजी हुई। और कांग्रेस ने आज अपना गारंटी पत्र भी जारी किया है। 7 गारंटी है जिसके जरिए कांग्रेस को लग रहा है कि जो सत्ता का हरियाणा में उसका वनवास 10 सालों से जारी था वो खत्म हो जाएगा। तो इसमें किन किन बातों को रखा गया है, कौन से प्रमुख बातें हैं जिसके जरिए जनता को निभाने का प्रयास किया जा रहा है, उस पर नजर डाल लीजिए।
300 यूनिट फ्री बिजली की बात इसमें कही गई है, ये एक बात प्रमुखता से नजर आती है। दूसरी बात, महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने की बात भी इसमें कही गई है, इसकी भी गारंटी है। 2 लाख युवाओं को पक्की भर्ती, जी हाँ, तो ये नौकरियों की बात है। पुरानी पेंशन योजना बहाली की बात भी कही गई है, उसकी भी गारंटी ली जा रही है। गरीबों को 100 गज का प्लॉट दिया जाएगा, इस बात का भी ऐलान इसमें किया गया। इसके अलावा एमएसपी की कानूनी गारंटी की बात भी कही गई है, यानी ये भी गारंटी ली जा रही है। क्रीमी लेयर की सीमा 10 लाख रुपए, ये करने की बात भी कही गई। तो कुल ये 7 बातें जिनके जरिए जनता के बीच कांग्रेस पहुंच रही है। कल दरअसल 10 बजे बीजेपी का संकल्प पत्र आना है, तो ये देखना श्रीन महत्वपूर्ण हो जाएगा कि आखिर उसमें किन बातों का उल्लेख होता है। बिल्कुल, वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे अखिलेश। लेकिन अभी बात हरियाणा की हॉट सीट कही जाने वाली जुलाना सीट की कर लेते हैं, जहां कांग्रेस ने वहां उम्मीदवार बनाया है विनेश फोगाट को, तो सामने आम आदमी पार्टी ने उतार दिया है कविता दलाल को। लेकिन मुकाबला बहुकोणीय है। हमारी संवाददाता निधिश्री ग्राउंड पर है और वहां से बता रही है कि कौन कितने पानी में दिखाई दे रहा है। हरियाणा के नक्शे में बिल्कुल बीचों बीच बसा है जींद शहर और इसकी 5 विधानसभा सीटों में से एक है जुलाना विधानसभा सीट, जिसकी आज सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है और इसकी वजह है विनेश फोगाट। रेसलिंग के मैदान से, ओलंपिक से सीधे चुनावी सफर पर निकली हैं विनेश फोगाट, लेकिन क्या उनका मुकाबला इतना आसान है, ये जानने और समझने की कोशिश होगी। तो चलिए मेरे साथ इस सफर पर। ढोल नगाड़ों के साथ विनेश फोगाट जुलाना के रंदाना गांव में प्रचार के लिए पहुंची हैं। गाड़ी से हाथ जोड़कर अभिवादन कर रही हैं और लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। गाड़ी से उतरकर गांव की गलियों में कुछ दूर पैदल चलने के बाद विनेश मंच पर पहुंचती हैं और समर्थक खुश हो जाते हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची हैं, जो पहली बार विनेश को अपने बीच देख रही हैं। एबीपी न्यूज की रिपोर्टर निधि महिलाओं के मन की बात जानने की कोशिश करती है। यह विनेश को सुनने के लिए आई है? हाँ बेटा, हाँ, एक अच्छी लड़की है वह। हाँ, सब काम समझा, सबके लिए बढ़िया हुआ। पर यहाँ से कांग्रेस अभी तक 2 बार ही जीती है 1968 के बाद, विनेश कांग्रेस से चुनाव आगे भी जीतेगी जितावांगे बेटा। विनेश किसी और पार्टी से चुनाव लड़ती तो भी आप लोग वोट दे, निर्दलीय लड़ती फिर भी दे। उधर मंच पर विनेश का भाषण चल रहा है और हरियाणवी में वो लोगों से समर्थन की अपील कर रही है। हमने नौकरी भी चाहिए, हमने खेती में पानी भी चाहिए, हमने बिजली भी चाहिए, लेकिन 10 साल में बीजेपी सरकार ने हमने कुछ भी देने का काम नहीं किया है और वो दर्द का अपमान का टाइम है अभी। इन दिनों रोज का ये रूटीन बन चुका है, सुबह से ही छोटी छोटी सभाओं के जरिए विनेश अपने प्रचार में जुटी हैं। गांव से निकलते वक्त निधि उनसे सवाल पूछती है। आपके विरोधी कह रहे हैं कि विनेश आज की तारीख में जब कांग्रेस से चुनाव लड़ रही है सब कुछ साजिश था, गलत काम करके वो राजनीति करते हैं, हम वैसे लोग नहीं है। कोई भी लड़की ऐसे अपनी इज्जत को दांव पे लगा के राजनीति नहीं करती है, परमात्मा की दया से सब कुछ था हमारे पास में, राजनीति करनी होती तो हम आराम से कर लेते, लेकिन वो उनकी सोच है। जाट बाहुल इस जुलाना सीट पर 2019 में 61,000 वोट पाकर जेजेपी की जीत हुई थी। बीजेपी के परविंदर सिंह 37,000 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि कांग्रेस 12,000 वोट पाकर तीसरे नंबर पर रही थी। जुलाना में आम आदमी पार्टी ने लेडी खली के नाम से मशहूर इंटरनेशनल पहलवान कविता दलाल को उतारा है। सुबह जब निधि उनके घर पहुंची तो वो प्रचार में निकलने की तैयारी कर रही थी। कविता दलाल के लिए बड़ी चुनौती कौन है, योगेश बैरागी या फिर विनेश फोगाट? देखिए, मैं फोगाट छोटी बहन है, लेकिन जो जनता जिसके साथ है, जनता जिसको आशीर्वाद देगी, वही आदमी विधानसभा तक पहुंचेगा। सीएम बनना चाहेंगे अगर स्थिति आती है? बिल्कुल, क्यों नहीं बनना चाहूंगी। जाट समाज से आने वाली कविता दलाल भी समर्थकों के साथ रोज क्षेत्र में पसीना बहा रही हैं और लोगों से जीत की अपील कर रही हैं। जुलाना में जाट 48% हैं, जबकि दलित 22%, ओबीसी 17% हैं, सवर्ण 10% के आसपास हैं। दरअसल कैप्टन योगेश बैरागी के सहारे बीजेपी पहली बार जुलाना को साधने की कोशिश में,
कैप्टन योगेश बैरागी जमीन से जुड़े नेता माने जाते हैं और ओबीसी समाज में अच्छी पकड़ रखते हैं, लेकिन जुलाना के किसानों में बीजेपी के प्रति जो नाराजगी है, सवाल यह है कि क्या योगेश बैरागी उस नाराजगी को कम कर पाएंगे। योगेश बैरागी पायलट हैं और पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। निधि को योगेश बराह खुर्द नाम के गांव में मिले जहां वो प्रचार के लिए पहुंचे थे। भारतीय जनता पार्टी जुलाना के परिवार को भी मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूं। गांव में छोटी छोटी चौपाल और नुक्कड़ सभाओं के जरिए बैरागी अपने लिए वोट मांग रहे हैं। आपके चेहरे पर मुझे एक सवाल नजर आ रहा है कि इस बार मुकाबला किस किस से है, सब मैदान में कूद पड़े हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जो वोट बटेगा किसी और का बटेगा, और जो भाजपा के जो वोट है वो एक तरफा डलेंगे। आपके सामने विनेश फोगाट है और विनेश फोगाट की वजह से इस सीट की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। जो चुनावी दंगल के अंदर जो मेहनत करेगा, जो लोगों का दिल जीतेगा, जिसके ज्यादा नंबर वही जीतेगा। इन तीनों के अलावा इस सीट पर मौजूदा विधायक अमरजीत ढांडा भी हैं, जो जेजेपी से मैदान में हैं। हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव है और नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। बात वन नेशन वन इलेक्शन की, जिसे लेकर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, लेकिन इसी के साथ इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने तो इसकी मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए। ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जब बात है, कोई ना कोई कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा उनको, ऐसी चीजें बात करने के लिए, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए वो बात करते हैं, और इसीलिए और पूरे देश के लोग कोई मानने वाले भी नहीं है। 1967 के पहले तो खड़गे बताएं ना, राहुल बताएं कि एक देश एक इलेक्शन होता था कि नहीं होता था, उसमें कौन सा नुकसान था, क्यों नहीं नेहरू समय इसको रोक दिया था। इसे पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत कांग्रेस विरोध कर रही है। वन नेशन वन इलेक्शन तो होना ही चाहिए था। साल में 9 महीना आचार संहिता लगा रहने से विकास का काम है बढ़ता था, ये और पहले होना चाहिए था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ही सब कुछ करने वाले हैं, इसीलिए ये भी एक काम, नया काम उन्होंने किया है, इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का जो सबसे बड़ा लाभ है, इस देश की अर्थव्यवस्था को इससे काफ़ी लाभ होगा। राजकीय कोष का जो भार है वो कम होगा, चुनाव के खर्च में बड़ी कटौती होगी, और हम पूरी तरह से वन नेशन वन इलेक्शन के इस फैसले के साथ हैं। ये वन नेशन वन इलेक्शन ये व्यवहारिक है ही नहीं, ये तो हर चीज़ में क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त करने की एक साजिश है। बहुत सारे चुनाव आयुक्तों ने भी इसके पूर्व उन्होंने कहा है कि ये संभव नहीं है, इसको लेकर के बहुत सारे संवैधानिक अड़चन आएंगे, इसमें टकराव बढ़ेगा, ये कैसे हो सकता है। और इस बीच अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी यह खबर है, प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह लोकतंत्र को और मजबूत करने की ओर एक कदम है। प्रधानमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तारीफ करते हुए कहा कि कोविंद कमेटी की सिफारिशें कैबिनेट ने मंजूर की हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के भिवंडी में जुलूस के दौरान हंगामा हुआ है, ईद उल मिलाद के जुलूस में हंगामा हुआ है। बताया जा रहा है कि जुलूस के दौरान हंगामा बढ़ गया, तोड़फोड़ की कोशिश भी वहां पर की गई। तो भिवंडी से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां जुलूस निकाला जा रहा था जिस वक्त, उसी दौरान हंगामा हो गया और तोड़फोड़ की कोशिश भी की गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। इस पूरे मामले पर और क्या जानकारी हमारे पास है, सीधे रुक कर लेते हैं मृत्युंजय का। मृत्युंजय, क्या है पूरी खबर? कल गणपति विसर्जन के दौरान गणेश मूर्ति पर पत्थर फेंकने का मामला सामने आया था, और उसके बाद तनाव देखने को मिली थी। उसके बाद से इलाके में तनाव देखा जा रहा था। पुलिस ने उस समय कार्रवाई का आश्वासन किया कि उपद्रवियों को छोड़ा नहीं जाएगा, लोगों को समझाया। उसके बाद भीड़ तो तितर बितर हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं इलाके में तनाव दिख रहा था। और आज इस जुलूस नदी का भी जुलूस उसी इलाके में निकाला गया है। जब ये जुलूस निकला तभी तो बाइक पर बहुत सारे युवक बाइक चला रहे थे और उसमें टक्कर लगी थी पापा सामने, और उसके बाद से दो गुटों पे बवाल बढ़ गया, धक्का मुक्की की घटनाएं सामने आई है, रिक्शा पलट देने की घटना सामने जी चालक को सामने आई है। तो ये शिवाजी महाराज चौक है भिवंडी में, वहां पर यह घटना घटित हुई है। हालांकि इसके बाद फिर से कुछ तकलीफ करेंगे, और फिलहाल एहतियातन सभी दुकानों को बंद कराया गया है, लोगों को ठीक है। मृत्युंजय, शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए, नजर बनाकर रखिएगा इस खबर।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।